हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अपने बहन के ससुराल से आया हूँ और अपने गांव जा रहा था, तो बीच में ये बुटाटी गांव आया है। इसमें सबसे फेमस मंदिर है चतुरदास जी का। यहाँ पर लकवे का इलाज होता है। यहाँ पर हर रोज़ मेला लगा रहता है। चारों ओर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर हर तरह का आइटम मिलता है, लेडीज जेंट्स। यहाँ बाइक खड़ी कर दी है मैंने, अब जाता हूँ अंदर। ये देखिए चारों ओर दुकानें लगी हुई हैं। ये वर्ल्ड का सबसे फेमस मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर लकवे का इलाज होता है, पैरालाइज का इलाज होता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। मंदिर के सामने बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ है, यहाँ पर आराम से घूम फिर सकते हैं। चतुर्दास जी का मंदिर देखने के लिए चलिए दिखाते हैं और भी आपको आगे जाके। ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे फेमस मंदिर है, यहाँ पर पैरालाइज लकवे का इलाज होता है। बहुत दूर दूर से विदेश से भी यहाँ पर यात्री आते हैं। ये देखिए सब फेरी लगा कर आ रहे हैं। चलिए हम भी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितनी भीड़ होने लगी है धीरे धीरे। यहाँ पर 7 फेरी लगानी पड़ती है और आप अगर चाहे तो अपने घर से भी आकर फेरी लगा सकते हैं, और रहने की भी सुविधा है, और रहने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता यहाँ पर। रहना खाना बिल्कुल फ्री है। हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ये पुजारी जी सबको प्रसाद दे रहे हैं। यहाँ अंदर चतुरदास जी महाराज की समाधि बनाई हुई है। ये देखिए यहाँ पर सब परिक्रमा कर रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं, और आपको बाहर से भी दिखाते हैं नजारा। बाहर नारियल की जोत होती है, उसके अंदर देसी घी भी डाला जाता है। तो फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। ये जोत घी और नारियल की है। इस जोत की जो बबूत होती है उसको लकवा पीड़ित के लिए काम ली जाती है। एक बार अमेरिका से एक लेडी आई थी जिसका नाम जेनिफर क्राफ्ट था। वो यहाँ पर 7 दिन रुकी, फेरी लगाई और ठीक होकर अपने देश गई थी। ये खबर सच भी है, आप नेट पर सर्च भी कर सकते हो। इस बबूत को लगाने से लकवा पीड़ित को बहुत जल्दी आराम मिलता है। ये यहाँ मंदिर के पास में गेस्ट हाउस है बहुत बड़ा। जो मंदिर के अंदर नहीं रहना चाहता वो यहाँ रह सकता है, और मंदिर के अंदर भी निशुल्क रहने और खाने की सुविधा है।
ये यहाँ पर फेरी लगाने के लिए आए हैं। ये 7 दिन के बाद अपने पैरों पे चल के घर जाएंगे। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए रहने और खाने की सुविधा है। दर्शन करके आ गए हैं, अब जाते हैं और दिखाते हैं आपको बाजार का नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत बाजार है यहाँ का। दिखाया था आपको अंदर का नज़ारा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाड़ी है, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर गायों को घास भी खिलाया जाता है।